और बात करते हैं बकरीद की। त्योहार जल्द ही आने वाला है और बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रथा है, लेकिन कुर्बानी को लेकर सीएम योगी ने कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। वो निर्देश क्या है, आसान करके आपको समझाते हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को ऑर्डर दिया है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना होने पाए, कुर्बानी की जगह पहले से ही तय हो और विवादित संवेदनशील जगहों पर कुर्बानी ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। जानवरों का खून नालियों में ना बहे, आस्था का सम्मान रखा जाए और शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाया जाए। ये साफ साफ निर्देश सीएम योगी ने अधिकारियों को दे दिए हैं, क्योंकि यूपी में खुले में कुर्बानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से सार्वजनिक जगहों पर पशुओं को न काटा जाए और उनको काटने की जो जगह है वो चिन्हित की जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रतिबंधित जो पशु हैं उनको बिल्कुल नहीं काटा जाए, अगर उनको काटे जाने की जानकारी मिलती है सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर नमाज पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है प्रतिबंधित है, उनके सीधे तौर पर निर्देश हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और अगर ये नई परंपरा त्योहारों के नाम पर शुरू की जाती है तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई सख्त की जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दरअसल हर त्यौहार से जुड़ी एक मान्यता होती है, बकरीद को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है जहां से इसे मनाने की प्रथा शुरू हुई। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को नींद में आए एक सपने में अल्लाह ने अपने किसी सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने बेटे को ही कुर्बान करने का निर्णय लिया। पैगंबर इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधकर उसके बाद अपने बेटे की कुर्बानी दी। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उन्होंने अपनी आंखों से कपड़े की पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और बेटे की जगह पर किसी बकरे की कुर्बानी हो गई। इसी घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय में बकरा सहित कई जानवरों को कुर्बान करने का चलन शुरू हो गया। क्या आपको पता है कि जिस बकरे की कुर्बानी दी जाती है उस पर अकेले कुर्बानी देने वाले का हक नहीं होता है, बल्कि कुर्बानी का मांस तीन भागों में बांटा जाता है। एक भाग गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है, दूसरा भाग रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जाता है और तीसरा भाग खुद रखा जाता है। ये त्यौहार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है, ऐसी मान्यता है।